बड़े दिनों बाद धूप आई है, आनंद लिया जा रहा है धूप का। और इनको देखो पीछे क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग पीछे? हम गाय को घास दे रहे हैं। कहाँ हो तुम? फ्रेश। ये सारे एक्सपेरिमेंट आज ही करेगी मुझे लग रहा है यार। या इधर आ, इधर इससे पहले, आज से पहले ये सब नहीं देखा होगा आप लोगों ने। घास देने जा रहे हैं। अबे डर क्यों रहे हो, आगे जा, आगे जाना। ये बच्चा देखो इसके समय, चलो उधर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित सिंहवाल ब्लॉग। मैं हूँ निशा एंड ये है अमित सिंहवाल। ये है जो नहीं जानते हैं उनके लिए। हाँ, और जो हमारी YouTube फैमिली है वो तो हमें जानते हैं, बट मैं इंट्रोडक्शन देना तो मस्ट है। और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कंटेंट देखने के बाद करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट सब्सक्राइब एंड ये लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी तो हम अपने घर से निकले हैं और यहाँ पे पास में ही एक खूबसूरत जगह है, आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं, मतलब मैं भी देखती हूँ। मिस्टर अमित तो एक बार चले गए हैं, मैं जरा फर्स्ट टाइम जाऊँगी। घर के पास में ही है, थोड़ा सा होके आते हैं फिर देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ जहाँ जाएंगे आपको भी अपने साथ लेके जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और फिर दोबारा तीसरी बार कह रहे हैं हम, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर न्यू हो। और गाइस एक्चुअली शाम का टाइम है, 4 बज रहे होंगे, नहीं 3:15 हो रहे हैं, और काफ़ी मतलब अभी तक धूप थी बट अब जो है तेज़ तेज़ से हवा चलने लग गई है। तो चलिए हमारे साथ चलिए और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ साथी बनिए मांगे। ये यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल घर और उनपे सींग लगी हुई है। ये सींग टाइप क्यों लगी है? मुझे क्या पता क्यों लगी है, मेरे को भी नहीं पता इस बारे में तो कुछ, बट ना काफ़ी मतलब जो घरों का जो आर्किटेक्चर है ना, मीन्स इस टाइप से वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस टाइप की घर की जो बनावट होती है ना, काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और ये धूप ना अच्छी लग रही है बिकॉज काफ़ी ठंडा हो गया है यहाँ बारिश से, तो ये धूप जो है आज हम धूप अच्छे से सोख कर लेते हैं, बिकॉज कल का पता नहीं यहाँ बारिश होगी कि धूप होगी क्या होगा। जादू हो ना तुम, सोख कर लेती हो सारा। देखो सोख कर रही हूँ मैं सारी धूप। हवा बहुत तेज चल रही है। देखिए गाइस हम पहुँच गए उस जगह पे, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में हम पहुँच गए। वैसे मनाली स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, बहुत सारी जगह है यहाँ, बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए वो जगह है जहाँ पे ये टहलते टहलते एक दिन आ गए थे, फिर इन्होंने कहा कि निशु एक जगह मिली है घर के आसपास ही जो बहुत सुंदर है, मैंने कहा तो मुझको भी चलना चाहिए, तो आज मैं भी आ गई हूँ। और सीरियसली काफ़ी सुंदर है, ग्रीन ग्रीन घास जो कि आपको पता ही है कि आई के लिए कितनी सूदिंग है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मज़ा लेते हैं इस खूबसूरती का। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, मतलब मैं चारों तरफ देख रही हूँ ना, ग्रीनरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, और पीछे आप देख रहे होंगे मंदिर भी है, और चारों तरफ अच्छे अच्छे माउंटेन जो कि सब मतलब एक जो इंसान को क्या चाहिए होता है जब उनको मतलब अपना एक टाइम स्पेंड करना होता है, कॉल मतलब आराम से शांति से बैठना होता है, तो कैसी जगह चाहिए, हरी हरी घास चाहिए, मंदिर है और चारों तरफ बर्फ़ के माउंटेन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, यही इसमें बैठ के तो लोग अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं और आराम से मतलब बैठे रहते हैं। तो ये ना हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पास में ही है, काफ़ी अच्छी जगह है, पूरा देखो चारों तरफ कितना मतलब कितना ज़्यादा ये है ना लंबाई चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन है। वैसे ग्रीनरी आनी तो शुरू हो चुकी है बट ये तो पहले से ऑलरेडी इतना ग्रीन है, पता नहीं मानसून में क्या ही हो जाता है। बट देखिए
लेन भी नहीं है ना, रुकेगी भी नहीं साइकिल। अभी इस हरी हरी घास में, इस मेडोज में ये चला रहे हैं साइकिल और अदवी को बैठे हुए हैं आगे। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, आराम आराम से चला ना। आराम से चलाओ, पकड़ में लेके आता। रुको 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 रुको, फिर थोड़ा, हाँ चलो जाओ। अरे वाह आराम से हो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। पैडल कर लेते हैं यार, और आप उसमें साइकिल चलाते हुए ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हो। ये देखिए आपको, ये इस तरह से ये ना शुगर वाला पानी है, मीन्स जैसे कि रेड एप्पल आते हैं, गोल्डन एप्पल आते हैं ना, एप्पल का पेड़ है, तो मतलब कि ये इस तरीके से लगाने का मतलब है कि पॉलिनेशन के लिए लगा रखा है कि गोल्डन एप्पल आएगा इसमें। तो काफ़ी मेहनत है क्योंकि हर पेड़ पे ना ऊंचे ऊंचे मतलब ऊपर चढ़ चढ़ के लगा रखी है पन्नियाँ, तो शुगर का पानी कि गोल्डन एप्पल आए मतलब। तो यहाँ से सेल करे जाते हैं दिल्ली को या मुंबई को, बट ये सारे एप्पल के पेड़ हैं और पॉलिनेशन के लिए मीठा पानी का लगा रखा है। मेहनत देखिए कितनी है, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत, तभी तो किसान मतलब अपना मेहनत का पैसा मांगता है। वो दिखता है जब हम खुद जाते हैं ना खेतों में, पता चलता है कि कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, तो उनको मिलना भी चाहिए फिर, मतलब पूरे डिजर्व करते हैं हद से ज़्यादा। और देखिए फिर से हम घूमते घामते शाम का टाइम अगर ऐसे स्पेंड हो तो क्या बात ना। काफ़ी तेज़ हवा चलने लग गई है, जैसे मैं आपको बता ही रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये व्यास रिवर, और हम आगे जा रहे हैं माल रोड की तरफ को, देखते हैं रसमलाई हमें कैसे मिलती है। रसमलाई की तलाश में हम माल रोड निकले हैं। तो गाइस माल रोड के पीछे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, देख ही रहोगे आप, जहाँ पे आज बहुत चहल पहल है बिकॉज आज संडे भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो ये देखिए माल रोड के पीछे भी काफ़ी सारी शॉप्स, काफ़ी रौनक आपको देखने को मिलेगी, कपड़ों की है, खाने की है, स्ट्रीट फूड है, सब कुछ है यहाँ पे भी अवेलेबल। चौथ है ना वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है सबको, देख लीजिए यहाँ पे आज तो संडे है तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और मैं भी देखते जा रही हूँ सबको, मतलब अपनी नज़रों से ना ऑब्जर्व करती जा रही हूँ, जैसे कि शॉपिंग के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आप टी शर्ट की भी आई गई, टी शर्ट ही मिलती है यहाँ पे, और उसके अलावा तो मोस्टली यहाँ पे गर्म कपड़े मिलते हैं, खाने पीने का सामान भर भर के है, बच्चों के लिए टॉयज बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जो नज़ारा है वो तो आप देखो। हमने सॉफ्टी ऑर्डर करी है 8-in-1 50 की, देखिए भैया बना रहे हैं। अच्छा ना, अब तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे को मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद है मतलब। सॉफ्टी टेस्टी। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब वॉर्म तो कपड़े आपको भर भर के मिलेंगे, ये देखिए गरम सॉक्स है, मतलब इनको अगर आप पहन लोगे ना पाँव में तो फिर आपको कुछ नहीं महसूस होने वाला। ने भी ले लिया है और मैंने भी ले लिया एक, क्योंकि मेरे को ठंड लगती है पाँव से, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मतलब गरम कपड़े काफ़ी हैं, मतलब आराम से बार्गेनिंग करके अच्छे से ले सकते हो कपड़े। तो गाइस इन मोमोज के साथ और खूबसूरत वादियों के साथ और ये पूरे मार्केट के साथ, मनाली के मार्केट के साथ, हम अपने इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक शेयर कमेंट और करते रहिए, बस मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।